गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम माई सेल्फ सीमा सिंगला आई विल टीच यू इकनॉमिक्स इकनॉमिक्स की बुक का आपने वी के की लेनी है टी आर जैन की तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इकनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन तो इसमें इकनॉमिक्स का मीनिंग दिया हुआ है इकनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज़ ऑफ मैन आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्केयर्स मीन्स मीन्स वेल्थ टू सेटिस्फाई देअर अनलिमिटेड वांट्स वी इकनॉमिक्स क्या है वह ब्रांच है जिसमें हम उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं जो स्केयर्स रिसोर्सेज से रिलेटेड है मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज से रिलेटेड है मीन्स वेल्थ लिमिटेड कौन सा है हमारे पास वेल्थ मनी जो है हमारे पास लिमिटेड है टू सेटिसफाई देअर अनलिमिटेड वांट्स मतलब उस मनी को हम यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं उस स्टडी को क्या बोलते हैं इकनॉमिक्स तो इसमें डायग्राम में देखो एक तरफ है मीन्स एक तरफ है वांट्स मीन्स मतलब रिसोर्स और एक तरफ हमारी ज़रूरतें हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो हमारी ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है तो हम ऐसे तो है नहीं लिमिटेड सोर्सेस से अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें तो हमें क्या करनी पड़ती है उनमें से चॉइस करनी पड़ती है चॉइस वो करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले जो हमारे लिए पहले ज़्यादा ज़रूरी है पहले हम उस नीड को फुलफ़िल करते हैं और बाकी बाद में और वेलफेयर भी हो उससे सोसाइटी का तो इस स्टडी को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स जिसमें हम अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड सोर्सेज को सही से इस्तेमाल करना जानते हैं भी कैसे कौन सी जरूरत पहले फुलफ़िल करनी है और कौन सी बाद में तो इस स्टडी को क्या बोलते हैं इकनॉमिक्स ओके थैंक यू स्टूडेंट्स आज आपने मीनिंग लर्न करना है